छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश आज वट सावित्री की पूजा कर रहा है। इस पूजा को भारतीय नारी अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और सदा सुहागन रहने के लिए करती हैं। पुरानी कथा के अनुसार सबसे महान और पति धर्म निभाने वाली सावित्री माता वट वृक्ष का पूजा कर ही अपने पति का प्राण बचाए थे। इसी धारणा को लेकर बालोद जिला के नगर पंचायत गुरूर की महिलाएं एवं डोंडेलोरा जनपद पंचायत के ग्राम मुठ खुसरा के दाऊ राम सिया चंद्राकर परिवार की महिलाओं ने आज दिन भर उपवास रहकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर मौली धागा को चारों तरफ गोल वृक्ष में बांध कर आस्था का दीप जलाया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसका वैज्ञानिक कारण भी माने तो वट वृक्ष हजारों साल तक जिंदा रहने वाला वृक्ष है एवं ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, इसलिए वायुमंडल भी शुद्ध होता है। ऐसे महान उपयोगी वृक्ष का नमन करना भी जरूरी है। इस वृक्ष का छोटा सा उपयोगी पहलू है परंतु यह नेक काम में आने वाला पौधा है। इन सबसे ऊपर उठकर आस्था सबसे बड़ी है। आस्था और विश्वास के साथ महिलाएं दिन भर उपवास रहकर विधि विधान से पूजा करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। जब महिलाओं से रिपोर्टर ने बात की तो उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि परिवार के लिए इस तरह का उपवास हम बहुत रख सकते हैं। हम महिलाएं अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। हमारी पूरी दुनिया हमारा परिवार ही होता है। एक सच्चा भारतीय नारी का कर्तव्य है उनका परिवार ही होता है और इसी बात को निभाते आए हैं और हमेशा निभाएंगे। वट की पूजा करके अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा करते हैं। पुरातन कथा है कि सावित्री माता बरगद की पूजा करके अपने पति की रक्षा की थी, इसीलिए धर्म को निभाते हुए अपने पति की रक्षा के लिए व्रत करते हैं। के पावन पर्व पर सारी महिला राम मंदिर बरगद के नीचे सभी इकट्ठा हुए हैं। इस पावन अवसर पति के लंबी उम्र के लिए पत्नी उपवास करती है ताकि यमराज उसके लिए उसकी काल छाया कभी ना पड़े, क्योंकि पति के रहते पत्नी का बहुत स्वाभिमान रहती है। इसीलिए पत्नी वट सावित्री का पूजा करती है, वट सावित्री का उपवास करती है, अपने पति के दीर्घायु के लिए लंबी उम्र के लिए सारी पत्नियां उपवास करती हैं और उसके जीवन की रक्षा के लिए पतिव्रता सावित्री जैसे हर पत्नी वैसे उपवास करके उसकी जीवन दान का रक्षा करिएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इसे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए दीर्घायु के लिए करती हैं। कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी यह व्रत माताएं कर रखती हैं। स्नान आदि नित्य कर्म के पश्चात वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास आसन बिछा कर बैठती हैं और एक जल पूर्ण कलश रखकर पंचदेव और भगवान विष्णु का पूजन कर ब्रह्मदेव और सावित्री की पूजा करती हैं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। TCB 24 न्यूज़ के लिए बालोद से खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।